पोलो कोस्टा की फाइट होने वाली है यूएफसी 284 ऑस्ट्रेलिया में रॉबर्ट विटेकर के साथ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आई है पोलो कोस्टा से रिलेटेड, और वो ये है कि पोलो कोस्टा ने यूएफसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से मना कर दिया है। यानी हर कोई फाइटर जो होता है उसको यूएफसी अपनी तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट देती है, 3 fight, 4 fight, 5 fight, यानी जितनी भी फाइट का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहे उतनी फाइट का कॉन्ट्रैक्ट यूएफसी उन्हें देती है। तो अगर फिलहाल के कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो पोलो कोस्टा का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यूएफसी 284 में फिनिश हो जाएगा, यानी कि उनके कॉन्ट्रैक्ट की ये लास्ट फाइट है जो वो रॉबर्ट विटेकर के साथ करेंगे। अब उनका कहना यह था कि यूएफसी के अंदर मुझे ना तो पैसे मिल रहे हैं ना अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो यहां पर पोलो कोस्टा को अपॉर्चुनिटीज की तो कमी रखी ही नहीं है यूएफसी ने, क्योंकि यहां पर पोलो कोस्टा को पहले जो है अडेसानिया के खिलाफ टाइटल शॉट भी दिया, और उसके खिलाफ जो टॉप कंटेंडर्स हैं उनकी फाइट भी पोलो कोस्टा को दी। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि यूएफसी ने पोलो कोस्टा को कंटेंडर अच्छे नहीं दिए, कंपटीशन अच्छा नहीं दिया। लेकिन अब बात आ जाती है पैसों की। अब यहां पर पोलो कोस्टा ने यूएफसी 284 में यह फैसला किया है कि जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट फाइट है रॉबर्ट विटेकर के खिलाफ, उसको करने के बाद मैं और कोई फाइट यूएफसी में नहीं करूंगा, क्योंकि डेना वाइट ने 6-figure कॉन्ट्रैक्ट दिया उन्हें, यानी कि उन्हें अपनी हर फाइट में मिलियन रुपीस तो मिलते ही, लेकिन उन्हें यह लग रहा है कि ये मिलियन रुपीस भी बहुत कम है, मुझे और ज्यादा पैसे चाहिए। ऐसे में डेना वाइट ने जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट था उससे बढ़ाकर नया कॉन्ट्रैक्ट दिया पोलो कोस्टा को, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट बढ़ाने के बाद भी पोलो कोस्टा ने यहां पर साइन करने से मना कर दिया। अब साइन ना किया तो इसका हम क्या अंदाजा लगाएं? अब साइन नहीं किया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर, तो अब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएफसी 284 में पोलो कोस्टा की लास्ट फाइट होगी, यानी हम मिडल वेट के अंदर पोलो कोस्टा को रॉबर्ट विटेकर के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में लास्ट बार फाइट करते हुए देख सकते हैं। पोलो कोस्टा बॉक्सिंग के अंदर जा सकते हैं जैसे उन्होंने हिंट दिया, तो अब हम पोलो कोस्टा को यूएफसी से टाटा बाय बाय करने वाले हैं, क्योंकि यूएफसी के अंदर पोलो कोस्टा खुश नहीं है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन करने से मना कर दिया है। अब ये यूएफसी के लिए सही है या नहीं है, अब देखिए किसी एक आदमी के जाने से कंपनी नहीं रुकती, लेकिन कंपनी का साथ छूट जाने से एक आदमी की पॉपुलैरिटी कम जरूर हो सकती है। मान लो पोलो कोस्टा ने एक बॉक्सिंग मैच एक्सेप्ट किया और उसमें वो हार गए, तो उसके बाद उनके करियर की हाइट जो अब है वो रहेगी नहीं। तो पोलो कोस्टा को जो भी करना चाहिए पूरा सोच समझ कर करना चाहिए। यहां पर पैसे ज्यादा के लिए अगर उनको दिक्कत है तो डेना वाइट से थोड़ी और बात करनी चाहिए, शॉन शेल्बी वगैरह से, लेकिन यहां पर ऐसे यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करना हम फैंस के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पोलो कोस्टा कहीं ना कहीं एक एक्साइटिंग फाइटर तो है ही, इंटरेस्टिंग फाइटर तो है ही, और अगर कोई इंटरेस्टिंग फाइटर यूएफसी को छोड़ देता है तो ये हम फाइट फैंस के लिए अच्छा नहीं है। तो पोलो कोस्टा ने आखिरकार फैसला कर लिया है कि वो यूएफसी को अब छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने 6-digit का कॉन्ट्रैक्ट और 6-fight का कॉन्ट्रैक्ट जो है मना कर दिया है साइन करने से। आगे क्या होगा, क्या पोलो कोस्टा थोड़ा सा और भाव खाएंगे और यूएफसी 284 के बाद कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देंगे, या वो अपना पूरा मन बना चुके हैं बॉक्सिंग के अंदर जाने का, आपको क्या लगता है? अगर आप मेरी पूछो ना, मुझे ये लग रहा था कि पोलो कोस्टा भी थोड़े ड्रामे कर रहा है, लेकिन जब उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा अगला पैसे बढ़ा के तो वो साइन कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन के तो बिल्कुल उलट काम किया पोलो कोस्टा ने। आपका दिमाग क्या कहता है कि पोलो कोस्टा जो नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा उसको दोबारा से साइन करेगा, या फिर यूएफसी 284 के बाद हम पोलो कोस्टा को बाय बाय कर देंगे? जल्दी मुझे बताइए कमेंट करके, और यूएफसी से पोलो कोस्टा का जाना ठीक है या नहीं ये भी मुझे बताइए।